मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तो ज्यादा मॉर्निंग नहीं है और ठंड भी स्टार्ट हो गई है, मतलब यहाँ तो बढ़ ही रहा है। तो मेरा नाश्ता भी देखिए मैंने बना लिया है, ये मैंने छान लिया है, ये देखिए मैंने पूरी बना लिया है। और बच्चे चाय से खाते हैं पूरी, तो अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और मैं एक काम और कर रही हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और मैं यहाँ निकाल रही हूँ दूध में से मलाई, ये देखिए मैंने इतना मलाई निकाल लिया है। सॉरी ये गिरने लगा। और ये देखिए अभी भी फ्रिज में रख देने से मलाई पूरी तरह जम जाती है ऊपर, तो मैं निकाल रही हूँ, तो निकाल लेती हूँ। और आज है भाई दूज। भाई दूज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ भाई दूज के दिन बनते हैं दाल भर की पूरी, खीर और सब्जी। तो मैं आज अभी दिन में तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नहीं है, वो रांची चले गए हैं, कुछ काम था उनको। तो अभी अभी तो मैं सिंपल ही खाना बनाऊंगी और शाम में मैं बनाऊंगी दाल भर की पूरी और खीर। और ये मैंने ले लिया है अपना नाश्ता, आलू बैगन की सब्जी है और पूरी है। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अगर मैं नाश्ते के बाद चाय नहीं पीती तो मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, इसलिए मुझे चाय पीना बहुत जरूरी है। इस बार भी हम लोग का दिया थोड़ा ज्यादा आ गया था, हर बार मतलब हम लोग थोड़ा ज्यादा ही ले लेते हैं। तो दिया रखा हुआ, तो चलिए मैं इसको धो के रखा हुआ, तो मैं इसको पॉलिथीन में पैक कर देती हूँ। ये देखिए इतना और दिया है। ये देखिए कांच का जार खाली था तो मैं इसमें भर दी हूँ। और इसको हम लोग ऊपर रख देंगे तो सेफ रहेगा, इसमें रहेगा तो इसमें गंदा भी नहीं बैठेगा और मतलब टूटने का भी डर नहीं है। ऊपर हम लोग रख देंगे किचन में। चम्मू छोटा है तो पॉलिथीन में डाल के नहीं घुस रहा था, तो मैं सोची कि पॉलिथीन में रखने से अच्छा है कि इसको कांच में ही डायरेक्ट डाल दिया जाए, तो मैं इसमें डाल दी हूँ। इसको मैं बंद कर देती हूँ। और ये ऊपर में यहाँ हम लोग वहां जार और लाल वाला बकेट के बीच में रख देंगे। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ज्वेलरी ऑर्डर किया था, वो ज्वेलरी इतना बढ़िया निकला कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं वो आप लोगों के साथ उसका रिव्यू देना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, रिव्यू नहीं, मैं बताना चाहती हूँ कि ज्वेलरी इतना अच्छा है, सुखी ब्रांड का है, इतना बढ़िया है कि मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मेरा पसंद कैसा है, मेरा कलेक्शन कैसा है। यहाँ पर धूप आ रही है इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पहला जो है ये गले का है और ये इतना खूबसूरत है। और देखिए ये लास्ट में जो मोती से बना हुआ है, इसे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और ये गले में आप थोड़ा सा मतलब लटका के भी पहन सकते हैं, यहाँ सटा के, जैसा आपका मन। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। और इसके साथ ये ईयर का है, ये देखिए। और इसका पेंच काफी खूबसूरत है, थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा और ये निकल जाता है, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। ये एक ये है, सेकेंड में ये वाला है, ये देखिए, रुकिए मैं इसको हटा देती हूँ। सेकेंड में देखिए ये वाला है, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसमें देखिए यहाँ हुक लगा हुआ है। और ये जिसमें आपको मन करे, आप ज्यादा गले में सटाना चाहते हैं तो गले में सटा सकते हैं, या मतलब लटकाना चाहते हैं तो। ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लगता है।
मैं सूरत लगता है, मैं तो इसको पहनी थी, मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये वाला है, और मुझे तो पता भी नहीं था। और ये देखिए इसके साथ इयर रिंग भी है, कितना खूबसूरत है ये देखिए। और बहुत ही मतलब लाइट वेट है इसका, जिसे कि पता ही नहीं चलता है कि हम लोग पहने भी है, इतना सुंदर है ये। देखिए सारा सुखी ब्रांड का है फैशन ज्वेलरी, और लास्ट ये वाला है, ये अभी मैं पहनी नहीं हूँ लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तीनों मुझे इसी में रिसीव हुआ था। ये देखिए इसके भी लास्ट में इस तरह का है, मोती की तरह है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मांग टिक्का है, ये इस तरह पेच किया हुआ है कि ये हिले नहीं अपने जगह से। और ये देखिए ये इयर रिंग है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये गले का, मुझे तो ये भी काफी पसंद है, शादी पार्टी वगैरह में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये ज्वेलरी इतना पसंद आया कि मैं सबको बताई कि देखिए मुझे इतना में रिसीव हुआ है। तो आप लोग को भी लेना है तो मैं अभी मतलब आप लोग को अगर पसंद है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जरूर वहां से मतलब चेकआउट कर लीजिएगा। इतना मतलब कम रेट में आप लोग को कहीं मिलेगा नहीं। और ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया और मैं फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ और मुझे इतना पसंद है कि मत पूछिए। मतलब शादी ब्याह में ये तो इतना खूबसूरत है नेकलेस ये वाली कि मत पूछिए, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और ये वाली भी, ये सब साड़ी के साथ, सभी साड़ी सूट किसी के साथ भी अच्छा लग रहा है। मैं तो बनाई थी सूट के साथ भी। इसको तो आप लोग एकदम मिस मत कीजिए और अपना ले ही लीजिए। और सुखी ब्रांड का तो हर चीज ही अच्छा होता है। मैं फ्लिपकार्ट से मतलब जितना भी मैं ऑनलाइन परचेस की हूँ, मैं सारा सूट वगैरह का भी हॉल बनाने वाली हूँ। प्लीज आप लोग मेरे ब्लॉग पे इसी तरह बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। देखिए जब भी इन लोग कोई चीज देते हैं ना तो इस तरह क्लिप ये पिन से फंसा के देते हैं ताकि ज्वेलरी मतलब टूटे ना और इधर उधर ना हो। अभी मैं खोल रही हूँ इसलिए मैं निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से किया हुआ है। और ये देखिए तजपत्ता है, ये मेरी फ्रेंड हमको मतलब एक जन के घर पेड़ है तो वहां से मंगा दी थी, तो ये पूरा ही ग्रीन था। उसके बाद मैं इसको लाई और बोली कि धो देने, क्योंकि ये पेड़ पे था, डस्ट वगैरह पड़ा ही होगा, फिर किसके किसके हाथ से टच हुआ। तो मैं धो दी और उसको सुखा के रख दी। देखिए इतना सारा है और इसको मैं पोलिथीन में पैक करके रख दूंगी तो लगभग मेरा चार पांच छह महीना तो आराम से चल जाएगा। देखिए पूरा थैला भर के है। तो हम लोग को छोटे जगह में रहने का फायदा भी बहुत सारा है, हर चीज मतलब नेचुरल मिल जाता है। कोई भी चीज आप स्टोर कर लीजिए कुछ भी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। काली जी का विसर्जन हो रहा है, चलिए वहां पर प्रणाम कर लेते हैं, नहीं तो चले जाएंगे बच्चे सब। तुम नहीं देखता है मेरा क्या बोला आपको, कॉन्टेक्ट है लेकिन स्टेटस नहीं दिखा। नहीं नहीं वो नहीं, यूट्यूब में नहीं जा रहे थे, आज जा रहे हैं। झारखंड की शोभा, ठीक है शोभा, ठीक ना। हम घर के लिए घर में खाएंगे। मेरे को एक परफ्यूम आ लीजिए मेरे बेटा के लिए। वो नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है सर्दी खांसी। मेरे को भी हुआ, उसको भी हुआ, दोनों को। फिलहाल मैं अपने छत पर हूँ क्योंकि मैंने मशीन ऑन किया था, तो मैं मशीन ऑन की थी। मैं सोची कि कहीं पानी ओवरफ्लो तो वहाँ उस पाइप से नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं छत पर आई हूँ।
और मैंने अपने बेटे को बोला था कि तुम लाइटिंग को खोल देना, लेकिन उसने अभी तक लाइटिंग देखिए खोला नहीं है। ठीक है, आज भर रह जाता है, उसके बाद हम लोग खोल देंगे, क्योंकि बेमतलब का लगे रहना भी टेंशन ही है। और जिनके यहाँ छठ होता है उनके यहाँ लाइटिंग नहीं खुलता है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग खोल देंगे। जिसके जिसके यहाँ छठ होता है उसके यहाँ लाइटिंग नहीं खुलता है। और वो देखिए काली जी का विसर्जन हो चुका है वहां पर, वो अभी हम लोग के मोहल्ले में ही घुमा रहे हैं।